खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां आजादी के 75वें वर्षगांठ के तहत स्वतंत्रता दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में हनुमान नगर में तिरंगा यात्रा के तहत रैली निकाली गई है। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं लोग मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, हनुमाना जनपद के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूर दराज से आए हुए आप सभी का इस विजय जुलूस यात्रा में हम अपने मुख्य अतिथि की तरफ से, अपने तरफ से, अपने युवाओं की तरफ से बार बार अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, ये 75वीं वर्षगांठ आपके बीच में हम अपने पूर्व विधायक के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाल करके अपने नगर में भ्रमण किए। आपके बीच में आपके सिपाही, आपके नेता, आपके लाडले नेता सर पर आयोजित इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे 98 पंचायत के जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद नारायण तिवारी जी और उनके समस्त जनपद सदस्य साथीगण, साथ ही नवनिर्वाचित नगर पंचायत के अध्यक्ष छोटे भाई आशुतोष गुप्ता जी, उनके पार्षदगण, सभी साथीगण और साथ ही हमारे युवक कांग्रेस के सभी साथीगण, हमारे NUCI के सभी साथीगण, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, हमारे हनुमाना डिग्री कॉलेज की सभी छात्र छात्राएं, NCC के छात्र और उपस्थित यहां पर हमारे सभी भाई एवं बहनों, आप सभी को इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते आप सबको क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को आज 15 अगस्त अमृत महोत्सव पे? अपने क्षेत्र में खुशहाली चाहते हैं, अच्छी बारिश हो, किसान खुशहाल रहे, नौजवान खुशहाल रहे, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कम हो। हमारा यही मुद्दा है कि हमारे आम जन को कम से कम महंगाई तो नहीं मिले, कुछ मिले या नहीं मिले, और खुशहाली चाहिए और हमारा क्षेत्र फले फूले। आने वाला समय हम सब उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे भारत निर्माण में, देश निर्माण में, अपने क्षेत्र निर्माण में हमारे नौजवान आगे काम करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ।